टेलीविजन की कोई भी चैनल खोलो, उसमें से 50% चैनल में तुमको साउथ की फिल्में ही चलते नजर आएंगे, चाहे तुम पसंद करो या ना करो। मुझे भी साउथ की फिल्म इतना पसंद नहीं था, क्योंकि मोस्टली चैनल में जो चलता है सभी ओल्ड फिल्म होता है, वही सेम लव स्टोरी, वही एक्शन सीक्वेंस। अगर एक बार आप न्यू फिल्म देखना शुरू करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री इंडिया का कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से कितना आगे है, और ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर दे रहा है। तो आज ऐसे ही 10 मस्ट वॉच साउथ फिल्मों के बारे में बात करेंगे, जो आपको साउथ फिल्मों का फैन बना देगा। मैंने सारे फिल्मों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बस शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। विश्वरूपम 2013 में रिलीज हुआ यह फिल्म एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है कमल हसन ने। फिल्म में आपको सब कुछ मिलेगा, ड्रामा, एक्शन, फाइट, थ्रिल, कॉमेडी, मतलब सब कुछ। स्प्लेंडेड स्क्रीन प्ले, हाई क्लास एक्शन और गजब का बैकग्राउंड म्यूजिक, और सिनेमाटोग्राफी तो वो हॉलीवुड को भी फेल कर देगा। फिल्म का 2 पार्ट है, कैसे डायरेक्टर ने दोनों पार्ट को जोड़ के एक सोशल मैसेज दिया है, तारीफ के काबिल है। मैंने दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डियर कॉमरेड 2019 का वन ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन फिल्म है, जो तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होने के बावजूद पूरा इंडिया में हलचल मचा दिया था। इसीलिए करण जौहर ने बिना देरी के इसका कॉपीराइट खरीद लिया, जिसका हिंदी रीमेक भी करने वाला है वो। अगर आपको कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी पसंद आया है तो ये भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि स्टोरी कुछ हद तक ऑलमोस्ट सेम है। फिल्म की कहानी शुरू होता है बॉबी, जो कि एक कॉलेज यूनियन का लीडर है, हॉट हेडेड, मारपीट करने में सबसे आगे, और दूसरी तरफ लिली, जो कि एक वुमेन क्रिकेटर है, पीस लवर। फिल्म में आपको ढेर सारा फाइट, गुस्सा, प्यार दिखने को मिलेगा। अगर आप इमोशनल पर्सन है, आई मस्ट से एक रुमाल लेके जरूर बैठिएगा। पूरा 3 घंटे आप सोचेंगे ये कोई फिल्म नहीं, आपकी कहानी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। रंगस्थलम 1985, ये फिल्म 2018 में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुआ था। इसको डायरेक्ट किया है सुकुमार जी ने, जिसने आर्या, आर्या 2, 100% लव जैसे तेलुगु ब्लॉकबस्टर को डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत हेवी है, रामचरण, समंथा, आदिपिनी शेट्टी, प्रकाश राज जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को देखेंगे आप। ये फिल्म 2018 का तेलुगु ब्लॉकबस्टर था, अराउंड 300 करोड़ का बिजनेस किया था। लास्ट टाइम एसआरके का फिल्म कब 100 करोड़ क्रॉस किया था मुझे याद भी नहीं है, और यहाँ देखो 300 करोड़। फिल्म की कहानी रंगस्थलम गाँव का है, जहाँ चिट्टी बाबू अपने भाई के साथ रहता है। बात है कि चिट्टी बाबू थोड़ा कम सुनता है। अपने बड़े भाई मतलब आदिपिनी शेट्टी से जो कैरेक्टर प्ले किया है, उसे चिट्टी बाबू बहुत ही प्यार करते हैं। अब उसके भाई बाहर से अपने गांव लौटता है, उसके बाद क्या होता है ये तो आपको फिल्म देखने से पता चलेगा। सुकुमार जी के डायरेक्शन से कोई भी आम स्टोरी मास्टरपीस बन जाता है, ये फिल्म से पता चलेगा आपको। घातक रात 2018 का एक मास्टरपीस फिल्म है ये। कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज हुआ ये फिल्म दिखाता है कैसे इंसान का दिमाग शैतान का घर होता है, कैसे हर डिसीजन में इंसान अपना फायदा ढूंढता है। फिल्म की कहानी शुरू होता है एक गरीब फैमिली से, जो कि कर्नाटक के एक गांव में रहता है। फिर एक ज्योतिषी या बाबा उन्हें कहता है उनका किस्मत बदलने वाला है। ठीक उसी दिन एक अनजान आदमी उनके घर रहने आता है। अब ये अनजान आदमी कौन है, क्या है इसका मकसद, क्या सच में इनका किस्मत बदलने वाला है, ये सब का आंसर देगा ये फिल्म, जो कि फ्री में एकदम अवेलेबल है यूट्यूब पे। 24, जिस कॉन्सेप्ट को लेके हॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गिफ्ट किया है, अब उसी का बारी है साउथ फिल्मों का। हाँ दोस्तों, टाइम ट्रेवल मतलब इंडिया का मेरा देखा हुआ बेस्ट साईफाई फिल्म, ऑसम स्क्रीन प्ले विद साउथ का मसाला। फिल्म में साउथ की सुपरस्टार सूर्या को ट्रिपल रोल में देखा जाएगा, उसके अलावा समंथा, नित्य मेमन जैसे और भी एक्टर्स को देखेंगे आप। ये फिल्म की ग्राफिक्स हॉलीवुड को मात दे सकता है। अगर आपको टाइम ट्रेवल जैसे इस कॉन्सेप्ट का फिल्म पसंद है तो आपको जरूर देखना चाहिए ये फिल्म। वड़ा चिल्ली, ये फिल्म तमिल का गैंग्स ऑफ वासीपुर है। फिल्म में लीड रोल प्ले किए धनुष, और फिल्म को डायरेक्ट किया वेट्रीमरन ने। मतलब वेट्रीमरन और धनुष का जोड़ी इज लाइक सेवा और सचिन, जब भी आता है फाड़ के रख देता है। फिल्म में धनुष के अलावा ऐश्वर्या, राजेश, आमिर जैसे साउथ के एक्टर्स को देखेंगे आप। फिल्म जब देखेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि फिल्म में टाइमलाइन बहुत खास है।
फिल्म कभी 1980s का स्टोरी दिखाता है, कभी 2000 का। फिल्म आपको हॉटस्टार में मिलेगा, मैंने उसका लिंक दे दिया है। अगर आपके पास हॉटस्टार नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने टॉरेंट लिंक भी दे दिया है। पावर पुंडी 2016 में रिलीज हुआ ये फिल्म तमिल ड्रामा फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है साउथ की सुपरस्टार धनुष ने। फिल्म में धनुष को भी देखेंगे मगर लीड रोल प्ले किया राज किरण जी ने। एज अ डायरेक्टर धनुष का ये पहला फिल्म है। फिल्म की कहानी बहुत ही इमोशनल है दोस्तों। जिंदगी में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें अपना पहली प्यार मिला है। फिल्म की कहानी उसी को लेकर है। ये फिल्म मोस्टली मैच्योर लोगों को पसंद आएगा क्योंकि फ्लू का जो फर्स्ट हाफ है थोड़ा इमोशनल है। अगर आपको ऐसे इमोशनल फिल्म देखना पसंद है तो आई गेस यू विल लव इट। मर्डर कोडम 2013 की ये एक ब्लैक कॉमेडी है जहां आप हंसेंगे भी और सस्पेंस भी बना रहेगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है नवीन ने जो कि इस फिल्म में एक अहम किरदार भी निभाया है। ये फिल्म साउथ कोरियन की एक फिल्म अटैक ऑन द गैस स्टेशन की स्टोरी से बेस्ड है। फिल्म की कहानी शुरू होते चार अनजाने से जब पुलिस के कस्टडी में एक दूसरे से मिलते हैं और एक घर लूटने का प्लान बनाते हैं। घर में कोई ना रहने का फायदा उठाने जब जाते हैं तो इस यही से शुरू होता है। फिल्म आपको YouTube में हिंदी में मिल जाएगा। डैशिंग डिटेक्टिव 2017 में रिलीज हुआ ये एक तमिल थ्रिलर फिल्म है, काइंड ऑफ शर्लॉक होम्स वर्जन। फिल्म के शुरू में जिसे मेंशन किया गया है, फिल्म की कहानी शुरू होता है जब फिल्म का हीरो विशाल जो कि एक डिटेक्टिव है उसे एक बच्ची अपने डॉग के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत कुछ सामने आता है जिसे मैं बोलूंगा तो स्पॉइलर दे जाऊंगा। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस वर्ल्ड क्लास है। बाइक चेस सीन, फाइटिंग सीन, स्पेशली चाइनीज रेस्टोरेंट वाला फाइटिंग सीन एक एक्शन लवर के लिए ट्रीट है। एक मस्ट वॉच साउथ फिल्म। तो वेट किस बात का? रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। डिजिटल जमाना मतलब स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन और इंटरनेट दोनों कैसे जिंदगी बदल सकता है आप इस फिल्म में देखेंगे। 2018 में रिलीज ये एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहां नजर आएंगे साउथ के सुपरस्टार विशाल, अर्जुन और सेमेंथा। इंडिया में आज तक ऐसा हैकिंग फिल्म मैंने देखा नहीं। एक अलग ही लेवल का डायरेक्शन, स्टोरी, मतलब आप भी देखेंगे तो स्मार्टफोन यूज करने से घबरा जाएंगे दोस्तों। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा बोर हो सकता है मगर सेकेंड हाफ गजब भाई, एकदम गजब।